इट्स टाइम फॉर इंडिया टू स्टार्ट देयर कैंपेन इन द T20 वर्ल्ड कप 2024 और इस कैंपेन की शुरुआत होने वाली है इंडिया वर्सेस आयरलैंड के साथ। काफी इंपॉर्टेंट मैच है, पहला मैच होने वाला है इंडिया का। सो देखते हैं कि आफ्टर ऑल ये मैच कैसा टर्न आउट होता है और पॉइंट्स टेबल में ग्रुप स्टेज पे किस तरीके से दोनों ही टीम्स को बेनिफिट पहुंचाता है। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है सो दैट आपको सब कुछ यानी इसके फैक्ट्स, फिगर्स और नंबर्स पता चलें ताकि आप समझ सकें कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ज्यादा मैचेस तो खेले नहीं है इंडिया और आयरलैंड ने आपस में, लेकिन एक मैच हुआ है जिसमें इंडिया ने जीत हासिल करी है और आयरलैंड इज येट टू ओपन देयर अकाउंट अगेंस्ट इंडिया। बट ये मुकाबला हो सकता है कि एक बड़ा ही ओपनर हो। इफ यू टॉक अबाउट द रीसेंट फॉर्म दोनों ही टीम्स की, तो फिर इंडिया और आयरलैंड की जो फॉर्म्स है वो काफी डिफरेंट रही है। एक तरफ इंडिया विनिंग मोमेंटम से आ रहा है, जहां पर हम देख सकते हैं इंडिया और अफगानिस्तान की जो लास्ट T20 सीरीज थी जहां पर सुपर ओवर हुआ था और रोहित शर्मा ने क्या कमाल की इनिंग्स खेल करके और कप्तानी कर करके वो मुकाबला जिताया था। तो वहीं आयरलैंड भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ आ रहा है, उन्होंने दो जीत हासिल करी है पिछले मैचेस में, इसके अलावा एक अबैंडन रहा है। सो यस, थोड़ा मिक्स्ड रहा है उनका भी और इंडिया भी एक विनिंग मोमेंटम से आ रहा है। सो लेट्स सी माइंडसेट यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि आयरलैंड की फॉर्म कैसे चल रही है या कितना कुछ अचीव कर चुके हैं बिफोर दे कम टू दिस टूर्नामेंट, तो स्पेसिफिकली आयरलैंड ने यूरोपियन रीजनल क्वालिफायर्स में नंबर सेकंड पोजीशन पर रह करके T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं अगर हम इस ठीक वर्ल्ड कप से पहले एक ट्राई सीरीज खेली गई थी अगर उसकी बात करें, तो आयरलैंड ने वहां पर अपने फेलो यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स को हरा करके जीत के साथ शुरुआत करी है। सो ये T20 वर्ल्ड कप उनका कॉन्फिडेंस हाई रहने वाला है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से लेके अभी तक इंडिया एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है, डिस्पाइट एंडिंग अप एज रनर अप्स वंस एंड दो बार सेमीफाइनल पहुंचने के बावजूद। सो इस T20 वर्ल्ड कप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई होगा ये हम सब जानते हैं और कितने बड़े कंटेंडर हैं, फेवरेट्स माने जा रहे हैं टू विन द वर्ल्ड कप, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर बोथ द टीम्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेशंस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया की, तो इनकी जर्नी काफी स्मूथ दिखाई पड़ने वाली है इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, क्योंकि सुपर 8 पर जाना बहुत ईजी है। वाई? बिकॉज अगर हम टीम्स की बात करें तो इनके ग्रुप में है आयरलैंड, कैनेडा, पाकिस्तान, USA और इटसेल्फ इंडिया। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान ग्रुप स्टेज को क्रॉस करके सुपर 8 पर इजिली पहुंच सकती है। नाउ यहाँ पे आयरलैंड का रोल ये होता है कि उनके थोड़े चांसेस स्लिम जरूर है जाने के, बट अगर वो एक दो अपसेट पुल ऑफ कर सकें सो हु नोस कि यहाँ पर हमें कोई और टीम जाती हुई दिख जाए सुपर 8 में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पिच रिपोर्ट, तो ये मुकाबला खेला जाएगा न्यूयॉर्क के स्टेडियम में। ये स्टेडियम काफी वायरल हो रहा है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, इसको अभी तक का सबसे एडवांस स्टेडियम कहा जा रहा है, प्लस इसके ड्रॉप इन विकेट्स को लेकर के भी बहुत चर्चा जा रही है जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं, हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है इसके लिए। अब अगर हम इस पिच रिपोर्ट की बात करें पर्टिकुलरली, तो बहुत लोग खुश नहीं है जैसा बिहेवियर पिच कर रहा है, स्पेसिफिकली जो हमें श्रीलंका वर्सेज साउथ अफ्रीका मैच में देखने को मिला। 77 रन्स पर हमने श्रीलंका को ऑल आउट होते हुए दिखा है इन जस्ट 19 ओवर्स और पिच इतनी स्लो थी कि वहां पर रन बनाना मुश्किल है। नाउ T20 क्रिकेट से हम सब एक्सपेक्ट करते हैं बिग गन्स ब्लेजिंग, बट वहां पे थोड़ा सा टफ होगा। सो लेट्स सी कि दोनों ही टीम्स में से इसका एडवांटेज कौन उठा पाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। सबसे पहली बारी है इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव की। नाउ दिस पर्सन, इन्होंने जरूर अपने डेब्यू इंडिया के लिए लेट किया था बिकॉज एवरीवन वांटेड हिम एज सून एज पॉसिबल, बट जब से इंडिया के लिए उन्होंने खेलना शुरू किया है स्पेशली इन T20 क्रिकेट, एक अलग ही किस्म के अटैकिंग प्लेयर दिखाई पड़ते हैं और जब भी ये उतरते हैं मैदान पर इनका इंपैक्ट इतना स्ट्रांग है कि सभी को पता होता है कि ही इज गोना स्कोर बिग रन्स, बिग बाउंड्रीज, एज ही इज नॉट गोना लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर इंडिया टीम। सो यहाँ पर इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, और आयरलैंड की तरफ से मोस्ट हैपनिंग और मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेयर भी माने जाते हैं। सो जॉश लिटिल होंगे आयरलैंड की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। Now let's talk about the players battle. सबसे पहली बैटल है सूर्य कुमार यादव वर्सेज जॉश लिटिल। सो सूर्य कुमार यादव ने जॉश लिटिल की दो बॉल्स पर 4 रन बनाए हैं, तो वहीं जॉश ने इनका एक बार विकेट लिया है। नेक्स्ट बैटल है संजू सैमसन वर्सेज मार्क अडेयर। संजू सैमसन ने मार्क अडेयर की 8 बॉल्स पर 18 रन बनाए हैं और मार्क ने इनका एक बार विकेट लिया है। नेक्स्ट बैटल इज बिटवीन एंड्रयू बालबर्नी वर्सेज अर्शदीप। सो एंड्रयू बालबर्नी ने अर्शदीप की 9 बॉल्स पर 17 रन बनाए हैं और अर्शदीप ने इनका एक बार विकेट लिया है। नेक्स्ट बैटल है पॉल स्टर्निंग वर्सेज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की 1 बॉल पर पॉल एक भी रन नहीं बना पाए हैं और वही बॉल ने पॉल का विकेट भी लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइलस्टोन। सबसे पहला माइलस्टोन है कैप्टन रोहित शर्मा के नाम। ही रिक्वायर्स 27 रन टू गेट 2000 रन इन द T20 वर्ल्ड कप्स।
नेक्स्ट माइलस्टोन इज ऑन रोहित शर्मा एज वेल. ही रिक्वायर्स 3 सिक्सेस टू गेट टू 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट. नाउ क्विकली टॉक अबाउट द फैंटेसी टीम. सबसे पहला कॉम्बिनेशन है रोहित शर्मा, पॉल स्टर्लिंग, विराट कोहली एज वाइस कैप्टन, सूर्य कुमार यादव कैप्टन, लॉक इन टकर विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, कर्टिस कैम्फर्ट, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, जॉश लिटिल, कुलदीप यादव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टीम टू कॉम्बिनेशन. रोहित शर्मा, एंड्रयू बालबर्नी, विराट कोहली एज कैप्टन, सूर्य कुमार यादव एज वाइस कैप्टन, ऋषभ पंत विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, कर्टिस कैम्फर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, जॉश लिटिल एंड मार्क एडेयर. आई होप यू लाइक्ड ऑल द कॉम्बिनेशन एक्सपेक्टेशन अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स ऑफ दीज टू टीम्स. बट अगर मैंने कुछ भी मिस किया हो जो एज क्रिकचाकर आपको चाहिए कि हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सो लेट अस नो इन द कमेंट्स, बिकॉज आपका फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या आपके लिए परोसना चाहिए. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं टू नो मोर एंड मोर अबाउट दिस मैच. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, come back to our YouTube channel so that you don't forget to know more and more MSPs for the upcoming matches.